सब्सक्राइब कीजिए निकेत शाह प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे कई सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जरिए जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हमारी खुद की वेबसाइट है www.plusoneonline.com के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दो कि हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ये ऑनलाइन कोर्स करना है, जिसमें हम लोग ने कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, जल्दी प्रोग्रामिंग में भी नए नए कोर्सेज ला रहे हैं, ऑटो कैड है, ऐसे कई सारे नए नए कोर्सेज हम लोग ला रहे हैं और जल्दी हम लोग 50 से अधिक कोर्सेज लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लेकिन छोटी सी जानकारी और एक दे दूँ कि ये कोर्स अगर आपको करना है ऑनलाइन, तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए सीखना चाहते हैं तो www.plusoneonline.com के जरिए आप सीख सकते हैं। यदि आपको मोबाइल से करना है तो एक गूगल प्ले स्टोर से आप खाली एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्लस वन ट्रेनिंग, जिसके ये कोर्स आप कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो इन तीनों चीज़ के बारे में डिफरेंस। हालांकि आप में से कई सारे लोगों को मालूम रहेगा कि ये तीनों चीज़ क्या क्या है और कैसे कैसे काम करती है, लेकिन इस वीडियो में मैं छोटी सी जानकारी दे दूँ ये तीनों चीज़ के बारे में। फिर इसके भी अलग अलग प्रकार है, इसके लिए मैं अलग से ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है वो है इन्वर्टर। तो बेसिकली आपने नाम जैसे सुना, इन्वर्टर का काम है एक तरीके से देखे तो डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स में बताया जाता है कि सर एसी टू डीसी तो समझ में आ गया, रेक्टिफायर से कर सकते हैं, लेकिन डीसी टू एसी कैसे करें? तो उसके लिए इन्वर्टर सर्किट की आपको ज़रूरत पड़ती है। इन्वर्टर का जो बेसिक काम है, यहाँ पे लिखा है कि इन्वर्टर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विच इज़ यूज टू प्रोवाइड सप्लाई बाय कन्वर्टिंग डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिव करंट, यानी कि डीसी सप्लाई को लेकर एसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम ये है इन्वर्टर का। हालांकि ये खुद पावर बना नहीं सकता, इसके कोई ना कोई डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बैटरी है या सोलर पैनल है। हालांकि इस पर ही अगर सोलर पैनल लगा दूँ तो ये बन जाएगा सोलर इन्वर्टर। इसका मैं डिटेल आगे आपको देता हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं यूपीएस के बारे में। यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि कभी ना क्या बोलते हैं हम लोग उसको, चेंज नहीं होने वाला या कभी ना बीच में फ्लिकरेंस नहीं पैदा करने वाला एक पावर सप्लाई। अगर मैं इसको डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये भी चलता है बैटरी के ज़रिए ही, लेकिन इसमें क्या होता है, जो उसका प्लग रहता है वो हमेशा हम लोग पावर सप्लाई के अंदर लगाते हैं, और जैसे ही पावर सप्लाई कट हो जाता है यानी कि मेंस में से सप्लाई आना बंद हो जाता है, तो इतना जल्दी ये स्विच ओवर कर देता है इन्वर्टर मोड के ऊपर। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मल काम करता है, जैसे हम लोग जिसको हम लोग स्पाइक गार्ड जैसा काम करता है उसी प्रकार से काम करता है। लेकिन जैसे ही लाइन जो है इंटरप्ट हो गई, यानी कि पावर सप्लाई जो हमारा बंद हो गया या कुछ फ्लक्चुएशन आया, तो तुरंत ये इन्वर्टर मोड पे डालेगा और हमारे अप्लायंसेस को चलाएगा। हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर के लिए या हमारा जो कैमरा के DVR है उन चीज़ों को वापरने के लिए इसका प्रयोग हम लोग ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स कंटिन्यूस ऑन चाहिए। अगर वो बार बार बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ सकता है, या हमारे कैमरा के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह रहता है वो कंटिन्यूस ऑन चाहिए, राइट? तो उसको बचाने के लिए आमतौर पर हम लोग UPS का प्रयोग करते हैं। तो ये है UPS, जिससे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हमारी सेव कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटर है या महंगी महंगे इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए हम लोग UPS का प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है सोलर इन्वर्टर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि इन्वर्टर ही एक सोलर इन्वर्टर का काम कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया कि इसका जो मेजर काम है वो DC सप्लाई को कहाँ से लेगा, तो सोलर सेल से लेता है। सोलर सेल जो रहता है आमतौर पे वो DC सप्लाई प्रोड्यूस करता है, तो ये DC सप्लाई लेगा और उसको AC में कन्वर्ट करके हमारे ग्रिड या हमारे जो घर पे जो लगे हुए जो चीज़ें रहती है उसको चलाने का काम करता है। यानी कि यहाँ पे जो इन्वर्टर और इसका जो काम रहता है वो सेम ही रहता है, लेकिन इन्वर्टर के ऊपर बैटरी लगी हुई रहती है। हालांकि सोलर इन्वर्टर में बैटरी लगानी पड़ती है, लेकिन पहले जो सोलर इन्वर्टर आते थे जिसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और डायरेक्ट सोलर के ज़रिए ये जो प्रोड्यूस करेगा AC सप्लाई और उसके ज़रिए घर के इक्विपमेंट चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती थी रात के समय हम लोग तो सूरज रहता नहीं तो कैसे चलाए, तो उस वजह से बैटरी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसमें जब भी मैं अलग अलग डिटेल सिखाऊंगा अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोज़ में सोलर इन्वर्टर के बारे में, तो इसकी डिटेल में आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं डिफरेंस बता दूँ कि UPS और इन्वर्टर के बीच में डिफरेंस क्या रहता है, ये दोनों के बीच में तफावत क्या है। सबसे पहले बैकअप की बात कर लेते हैं। तो अगर UPS की बात करें तो ये
तुरंत बैकअप देने की प्रोसेस करता है, जिसको हम लोग रैपिड बैकअप बोलते हैं। रैपिड बैकअप का मतलब है जैसे ही सप्लाई कट हुआ, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही UPS के ज़रिए सप्लाई आना शुरू हो जाता है, मिली सेकेंड्स में। यानी कि आप अगर ज़ुबान से बोलने की कोशिश करो तो समझो शायद वो उससे पहले ही वो स्विच ओवर हो जाए, इतना फटाफट ये जो है खुद को चेंज कर सकता है। ये UPS की खासियत है, जिसकी वजह से हमारे जो सिस्टम्स रहते हैं वो कंटिन्यूस ऑन रहता है, हमको कंप्यूटर जो रहता है कंटिन्यूस, हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि लाइट गया है कि नहीं है या लाइट आ गया, तो क्योंकि हमारा कंटिन्यूस ऑन ही रहने वाला है कंप्यूटर, ये है UPS। जबकि इन्वर्टर की बात करें तो ये इतना रैपिडली काम नहीं कर सकता, हालांकि बैकअप बहुत अच्छा देता है इन्वर्टर, लेकिन अगर लाइट गया तो आपका कंप्यूटर एक बार बंद ज़रूर होगा। तो मतलब इसके लिए जो रैपिड जो स्टार्ट बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टर नहीं कर सकता खुद को, जबकि UPS कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोल सकते हैं। अगर टेक्निकल वेराइटीज़ की बात करूँ तो UPS जो रहता है वो AC सप्लाई लेता है, DC के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर उसकी बैटरी को चार्ज करता है और उन बैटरीज़ के ज़रिए आउटपुट बाहर निकालते रहता है इन्वर्टर सर्किट के ज़रिए। उसके अंदर भी इन्वर्टर सर्किट रहता है ऑफकोर्स, और जैसे ही सप्लाई कट हो गया तो वही जो है बैटरी को AC सप्लाई में कन्वर्ट करके हमारे अप्लाइंसेस को चलाता है। ओके, तो ये है हमारा बेसिकली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन UPS का। जबकि इन्वर्टर क्या करता है, वो मेन्स लाइन को अपने हिसाब से चलाता है, मेन लाइन को लेता है, अपने DC को चार्ज करते रहता है, यानी बैटरी को चार्ज करता है, और जैसे ही लाइट गया तो DC में से सप्लाई लेगा और हमारे घर के चीज़ों को चलाएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों सेम ही तो है, राइट? थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको आगे मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सबसे पहले दोनों के बीच में और थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें तो UPS का एक मेजर डिफरेंस है, UPS का जो स्विच ओवर टाइम है, यानी कि जैसे ही पावर सप्लाई कट हुआ वो इन्वर्टर मोड पे आने के लिए वो लगभग 3 से 8 मिली सेकेंड्स का समय लेता है, मिली सेकेंड्स, 3 से 8 मिली सेकेंड्स। जबकि इन्वर्टर की बात करें तो लगभग 500 मिली सेकेंड्स का वो गैप ले सकता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस हो गया। और दूसरे कनेक्शंस की बात करें तो UPS का जो है कनेक्शन है वो डायरेक्टली अप्लायंसेस के साथ में जुड़ जाता है, यानी अप्लायंसेस को हम लोग को घर के सॉकेट्स में लगाने के बजाय हम लोग डायरेक्ट UPS के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये UPS का फ़ायदा होता है। या आप हो सके तो स्पाइक गार्ड वगैरह लेकर स्पाइक गार्ड का कनेक्शन UPS में लगाओ और होम अप्लायंसेस के जो भी कनेक्शन हो स्पाइक गार्ड में लगाओ, इस तरह से भी कनेक्शन कर सकते हैं, वो UPS का हो गया। जबकि इन्वर्टर में क्या होता है, हाउएवर द इन्वर्टर टेक्स हेल्प फ्रॉम मेन पावर सप्लाई लाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू द डिफरेंट अप्लायंसेस ऑफ द ऑफिस और होम, यानी कि इन्वर्टर जो है वो हमारे पावर सप्लाई का सहारा लेता है खुद के जो भी कनेक्टेड अप्लायंसेस है उसको चलाने के लिए। कैसे, आगे आपको बताया जाएगा। प्राइस के बारे में बातचीत करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है UPS, जबकि इन्वर्टर एज़ कम्पेयर टू UPS थोड़ा सा सस्ता ज़रूर है। हालांकि आजकल जो आपके घरों में चलता है वो इन्वर्टर आता है, या होम UPS, अभी आप जो देखोगे तो लुमिनस का भी होम UPS सिस्टम आता है। हालांकि UPS जितना काबिल नहीं है, लेकिन UPS इसके लिए बोला गया है ताकि उसका भी स्विच ओवर काम काफ़ी हद तक, मतलब ये जो 3 से 8 है UPS का आमतौर पर, लेकिन उसका लगभग 10 से 15 के आसपास आ जाता है, इसके लिए उसको होम UPS कहा जाता है। कुछ कुछ लोग एज एन UPS को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्किट की बात करें तो UPS की जो सिस्टम कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, यानी कि UPS की जो सर्किट रहती है उसमें 3 चीज़ों की मेजर चीज़ें रहती है। एक तो रेक्टिफायर, जिसको हम लोग जिसके ज़रिए चार्जिंग होता है। एक इन्वर्टर सर्किट है जिसके ज़रिए पावर कट होने पर हमको पावर सप्लाई कंटिन्यूस मिल पाए। और उसका कंट्रोलर, ये दोनों चीज़ को कंट्रोल करने वाला सिस्टम रहता है। जबकि इन्वर्टर की बात करें उसमें 2 चीज़ें मेजर काम करती है, एक इन्वर्टर की सर्किट और एक कंट्रोल सर्किट। इसमें रेक्टिफायर या चार्जिंग की सर्किट अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम को देख लेते हैं। यह है हमारे इन्वर्टर का वायरिंग। अगर इन्वर्टर वायरिंग की बात करें तो देखो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेन लाइन आई हुई है। मान लो कि हमारी मीटर से जो लाइन आई हुई है वो यहाँ पे आई हुई है, और हमारा ये समझो घर का जो मेन ट्रिपर जो रहता है, या मेन स्विच जो बोल सकते हैं वो है। यहाँ से सप्लाई अंदर जाने पर एक दो का ये वॉल सॉकेट के अंदर, एक सॉकेट के अंदर मेन लाइन भी आ गया और न्यूट्रल लाइन भी आ गया है, राइट? फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर को यहाँ से देखिए प्लग है जो कि यहाँ पे वॉल चार्जिंग में लगा हुआ है। यहाँ से क्या होगा, वो सप्लाई लेगा और इस सप्लाई के ज़रिए बैटरी को चार्ज करेगा। ओके, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ये सप्लाई में लगाया जाता है, जहाँ से न्यूट्रल फेज मेन में आए हुए हैं, वहाँ से वो लाइन लेगा और हमारी बैटरी को कंटिन्यूस चार्ज करेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आउटपुट निकला हुआ है न्यूट्रल और फेस का। हालांकि उसको न्यूट्रल जो है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती देने की,
तो देखो न्यूट्रल जो है वायर यहाँ से आई हुई है और यहाँ से ही पूरे घर में फैली हुई है, पूरे घर में जो गई हुई न्यूट्रल वायर यहाँ से ही गई हुई है। जबकि फेज़ वायर देखोगे तो फेज़ वायर इन्वर्टर के ज़रिए गया हुआ है। ये देखिए इन्वर्टर के ज़रिए फेज़ वायर देखो यहाँ पे गया है और यहाँ से स्विच के ज़रिए पंखे और, यानी नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं ये स्विच को इधर के जो प्लग को निकाल डालूँ तो ये कंपोनेंट्स नहीं काम करेंगे, मेरे जो पंखा और लाइट्स वगैरह वो काम नहीं करेंगे। जैसे ही प्लग लगाओ तो ये काम करना, क्योंकि सर्किट जो कंप्लीट हो रही है वो इस रेड वायर की वजह से सर्किट कंप्लीट हो रही है। यहाँ से इनको जो सप्लाई मिल रहा है वो भले लाइट है तो भी यहाँ से मिलेगा, लाइट नहीं है तो भी यहाँ से ही मिलेगा, ये उसकी खासियत है। ओके, मतलब लाइन चालू है तभी भी सप्लाई यहाँ से ही मिल रहा है उनको, लाइन बंद है तभी भी सप्लाई यहाँ से मिल रहा है। और जब भी लाइन बंद रहेगी तो सप्लाई जनरेट होता है अंदर बैटरी की वजह से, बैटरी से जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं, डीसी टू एसी, और फिर ये सप्लाई के ज़रिए इनको दिया जाता है और ये हमारे कंपोनेंट जो है काम करते हैं। तो ये है इन्वर्टर का एक वायरिंग। इसका डिटेल अगर आपको वायरिंग कैसे होता है तो हमारा वायरमैन कोर्स है जिसके ज़रिए आप ये सीख सकते हो। यूपीएस की बात करें तो यूपीएस इसकी जगह पे उल्टा काम करता है, इसको कोई अलग से वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट हमारे जो मेन जो वॉल रहता है मतलब मेन जो सॉकेट रहता है उसमें लग जाता है। यहाँ पे देखिए मेन सॉकेट में लग जाता है और यूपीएस के अंदर बैटरी रहती है, उसके अंदर ही हालांकि बैटरी रहती है जो कि नॉर्मल कंडीशन में चार्ज होती है और उसके ज़रिए ही सप्लाई बाहर निकलता है। उसके पीछे की तरफ देखोगे तो ये सॉकेट आपको नज़र आ रहा है, हमारे जो भी कंपोनेंट्स है जैसे कि कंप्यूटर है या डीवीआर वगैरह जो है या स्विचेस है राउटर है वो आमतौर पे इसके साथ में ही लग जाते हैं नॉर्मल फ्लो में, ये इसके साथ में ही काम। जैसे ही यहाँ से लाइन इंटरप्ट हुआ, यहाँ पे सप्लाई बंद हुआ तो ये खुद के खुद एक जनरेट करेगा, इन्वर्टर सर्किट इसके अंदर भी रहती है जिसके ज़रिए सप्लाई उसको मिलते रहेगा। यहाँ पे देखो दिखाया गया नॉर्मल कंडीशन में वॉल में से जब भी सॉकेट आ रहा है तो यहाँ से ही हमारा जो पीछे आया हुआ सॉकेट वो चलते रहेगा, साथ ही साथ बैटरी चार्जिंग होती रहेगी। और जैसे ही यहाँ की लाइन इंटरप्ट हुई यानी कि लाइन यहाँ पे बंद हो गई तो क्या होगा कि ये अपना जो चार्जिंग बंद हो जाएगा लेकिन बैटरी के ज़रिए इन्वर्टर कनेक्ट होके ये लाइन को चालू रखेगा, ये वाले लाइन को, इससे फ़ायदा होगा। और ये इतने मिली सेकेंड में मतलब ये इधर से इधर शिफ्ट होता है और ये लाइन इधर से इधर, देखो अभी ये बंद है और ये चालू है तो यहाँ पर उल्टा हो गया लाइन, लेकिन ये 3 से 8 माइक्रो सेकेंड्स में कर सकता है, इस वजह से हमारे जो प्रोडक्ट रहते हैं वो चालू रहता है। तो ये उसकी यूपीएस की खासियत है। उसी प्रकार से सोलार की अगर मैं बात करूँ तो सोलार पैनल के ज़रिए या सोलार अपना जो ग्रिड रहता है, ग्रिड का मतलब है जो टाटा पावर हाउस या कोई भी आपके एरिया में जो पावर सप्लाई प्रोवाइडर रहेगा उससे आपको जो पावर सप्लाई आ रहा है या सोलार पैनल के ज़रिए आ रहा है, ये दोनों को एक साथ में कंट्रोल कर सकता है। यस सही सुन रहे हैं आप, नॉर्मल कंडीशन में वो सप्लाई अगर यहाँ से प्रॉपर आ रहा है तो इससे पहले बैटरी को चार्ज करेगा और इसी से घर को चलाने की कोशिश करेगा। मान लो कि यहाँ पे सप्लाई प्रॉपर नहीं आया जितना नॉर्मल कंडीशन में चालू करने के लिए चाहिए तो ये क्या करेगा, ग्रिड से आने वाले सप्लाई को यूज़ करेगा, इससे बैटरी भी चार्ज करेगा और ये नॉर्मल हमारे घर के अप्लाइंसेस को भी चलेगा। मान लो रात के समय ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो बैटरी के ज़रिए हमारे घर के सब चीज़ों को चलाने की कोशिश करेगा। तो ये है हमारा सोलार इन्वर्टर। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाओ तो उसको थोड़ा डिटेल कि यहाँ पे तो सबसे पहले सोलार मॉड्यूल लगे हुए हैं। सोलार मॉड्यूल क्या करता है कि ये जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं और एक बॉक्स में जाते हैं जिसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। ओके, उसी प्रकार से ग्रिड यानी कि मेन सप्लाई से आने वाला मीटर के ज़रिए भी हमारे इन्वर्टर जो जरिए अटैच होता है, यानी कि इधर से आने वाली लाइन भी इन्वर्टर में आती है, इधर से लाने वाली भी लाइन भी। फिर जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में बैटरी तो चार्ज होते ही रहेगा और अभी मान लो कि यहाँ से सप्लाई फुल आ रहा है तो तभी ये पूरी घर की जो अप्लाइंसेस है वो इससे ही चलाएगा। अगर यहाँ से सप्लाई कम हुआ तो फिर यहाँ से वो जो है थोड़ा सा सप्लाई लेगा और हमारे अप्लाइंसेस को चलाने की कोशिश करेगा। अंदर के अंदर इंटरनली सब चेंज होता है और ये स्मार्ट वर्किंग होता है बेसिकली, तो इस वजह से इसका जो प्रयोग होता है हम लोग बिजली बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये ज़रूरत नहीं रहेगी तो आप ये सप्लाई हटा दो, यहाँ से जितना आ रहा है बैटरी मतलब सोलार से और बैटरी भी चार्ज होगा, उस समय हमारे घर के अप्लाइंसेस भी चलेगा। जब भी ज़रूरत नहीं रहेगा तो बैटरी से चलाओ, अगर बैटरी भी डाउन हो गई ये भी डाउन हो तो ग्रिड से आप चार्ज मतलब चालू कर सकते हैं। तो ऐसा इस तरह से आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करना हो, ये स्मार्ट मोड पे अभी तो काफ़ी आसान हो गया, जब भी मैं इसके अलग वीडियोस बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक यूपीएस इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर के बारे में। इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार रहता है जो कि आपको अगले वीडियोज़ में बताया जाएगा। आई होप कि मेरा वीडियोज़ आपको पसंद आया रहेगा।
प्लीज़ अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखिए, और आपको कौन से टाइप को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवाना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो कमेंट में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।